अल्लाह स्टूडेंट्स ऑफ एथ क्लास ये मुख्तार सर आपसे बात कर रहे हैं पॉलिटिकल लाइफ थर्ड सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ थर्ड के चैप्टर को लेके जिसका नाम है सोशल एक्सक्लूजन एंड इंक्लूजन पॉलिसी इन जम्मू एंड कश्मीर जम्मू एंड कश्मीर और इस चैप्टर में हम ये देखने की कोशिश करेंगे वट इज़ सोशल एक्सक्लूजन एंड वट आर द पॉलिसीज ओवर देयर मेड बाई गवर्नमेंट थ्रू विच वी कैन इंक्लूड दो पर्सनज होम वी कॉल्ड सोशली एक्सक्लूडेड Persons, वो हम देखेंगे बिफोर डिस्कसिंग दिस फेरी चैप्टर इसमें ये स्टार्टिंग में ही बता देता है कि वी हैव ऑलरेडी डिस्कसड समथिंग अबाउट द मार्जिनलाइज पीपल हमने पहले ही आपको मार्जिनलाइजड पीपुल के बताए उनके बारे में बताया हुआ है और हाउ आर द गर्मेंट वट आर द वेज और देर थ्रू विच वी कैन ब्रिंग दीज मार्जिनलाइज पीपुल इन टू द मेन स्ट्रीम बट एज़ फार एज़ दिस वेरी चैप्टर इज़ कंसर्नड ये चैप्टर जो है इसमें हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स को बताने की कोशिश करेंगे कि वो कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी मदद से वाट आर फैक्टर्स थ्रू विच वी कैन कंट्रीब्यूट टू सोशल इंक्लूजन हम किस तरह से सोशल इंक्लूजन में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं और रिकोगनाइज कर सकते हैं सोशली एक्सक्लूडिड या इस्पेशली जो एबल्ड पर्सनज़ रहते हैं उनको हम किस तरह से सोशल इंक्लूजन में ला सकते हैं उनको मेन स्ट्रीम में कैसे लाते हैं एट द सेम टाइम दिस वेरी चैप्टर ऑलसो डिज द लर्निंग टूल्स द पेडोगॉजिक टूल्स टू डिस्कस वेरियस थिंग्स अराउंड सोशल इंक्लूजन सोशल इंक्लूजन के इर्द गिर्द कौन सी वो तरीके हैं वो वेज हैं जिनकी मदद से हम इन सोशली एक्सक्लूडेड जो हमारी सोसाइटी में पार्टिसिपेट अच्छी तरह से लोग नहीं कर पाते उनको हम किस तरह से ला सकते हैं और उनको पार्टिसिपेट करवा सकते हैं लेट अस सी फर्स्ट व्हाट इज सोशल एक्सक्लूजन बेसिकली इट इज अ कंडीशन ये कंडीशन रहते हैं जहां पर एक इंडिविजुअल फुली पार्टिसिपेट नहीं कर पाता है सोसाइटी के सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमिक और कल्चरल लाइफ में अगर हमारे पास सोसाइटी में कुछ लोग रहते हैं जो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं पॉलिटिकल इस मैटर्स में सोशल मैटर्स में या इकोनॉमिक मैटर्स में या कल्चरल लाइफ में वो अच्छी तरह से पार्टिसिपेट नहीं करते हैं उस सिचुएशन को हम सोशल एक्सक्लूजन का नाम देते हैं और ये टर्म सबसे पहले दिस वेरी टर्म वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूसड बाय पॉल लिनॉर इन 1974 इन फ्रांस ये इसको वहाँ पर पहले लाया गया था और इसकी इसी तरह से जो सोशल एक्सक्लूजन रहता है ये आइडेंटिफाई करता है एक ऐसी सिचुएशन जहाँ पर एक्सक्लूडेड ग्रुप जो रहते हैं सोसाइटी में उन उन सबको एक ही छत के नीचे लाता है और इन सारे लोगों में कौन कौन से लोग आते हैं इसमें फ़िज़िकली मेंटली चैलेंज्ड लोग रहते हैं या रहते हैं अच्छा सबस्टेंस एब्यूज़र्स रहते हैं जो हम ड्रग एडिक्ट कहते हैं वो भी आते हैं डेलीकेंट्स जो रहते हैं वो लोग भी आते हैं ये कौन से लोग होते हैं डेलिकेंट्स ये माइनर्स या ये जो जिनको हम जेवल जैविना, कहते हैं ठीक है नाबालिग लोग जिन्होंने कोई क्राइम वगैरह किया होता है उनको भी हम इस कंडी इसमें लाते हैं सिंगल पेरेंट्स और मार्जिनलाइज्ड पीपल जो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा है, मार्जिनल मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स लाते हैं, जो सोसाइटी में रहती इन सब को हम इस एक क्राइटेरिया में लाते हैं जिसको हम सोशल एक्सक्लूजन का नाम देते हैं और ये मल्टी डायमेंशनल सिचुएशंस को फॉलो करते हुए हमें एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है कि किस तरह ये सारे लोग पॉलिटिकल सोशल और कल्चरल जो हमारे रेमिफिकेस रहते हैं या एक्टिविटीज़ रहते हैं उनमें पार्टिसिपेट किस तरह से नहीं कर पाते हैं देर आर सम फॉर्म्स एज़ फार एज़ सोशल एक्सक्लूजन इज़ कंसर्नड पहला है इकोनॉमिक एक्सक्लूजन जो हमारा ये डिप्रावेशन रहता है इन रिलेशन टू बेसिक नीड्स बेसिक नीड्स जो रहती हैं या मटेरियल गुड्स जो रहते हैं ये बहुत इैडोकेट है जहाँ तक गवर्नमेंट की बात है वो एक्सेस नहीं कर पाते हैं या उनके लिए ये जो रास्ता पूरी तरह से साफ नहीं रहता है गवर्नमेंट के हवाले से जो हमारी नॉन गवर्नमेंटल हेल्थ केयर फैसल्टीज़ रहती हैं या एजुकेशनल हाउसिंग एम्प्लॉमेंट या इंश्योरेंस ये जो सिस्टम रहते हैं इन तक ऐसे लोग ये जो सोशली एक्सक्लूडेड लोग होते हैं इनकी रसाई नहीं होती हैं या इन तक वो नहीं पहुंच पाते ना तो हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ ना तो एजुकेशन फैसिलिटीज़ हाउसिंग एम्प्लॉयमेंट वगैरह वो सब कुछ इनको नहीं दिया जाता है ठीक है या उन तक इनकी रसाई नहीं होता है इसी तरह से पॉलिटिकल एक्सक्लूजन रहता है पॉलिटिकल एक्सक्लूजन में क्या होता है कि ये लोग जिनको हम सोशली एक्सक्लूडेड लोग कहते हैं ये क्या होते हैं पार्टिसिपेट ही नहीं कर पाते हैं या इनकी रिप्रेजेंटेशन ही नहीं होती है डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशनज़ में या प्रोसेस में ना तो ये आ, अपने ओपीज ला लाते हैं आ, आ, सामने सोसाइटी में ना तो एलेक्शनज में ये कंटेस्ट कर पाते हैं ना तो पॉलिटिकल पार्टीज़ में इनका कोई पार्टिसिपेशन रहता है और ना ही पार्लियामेंट में कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि गवर्नमेंट या सोसाइटी में या इनकी ओपिनियनज पॉलिटिकल पार्टीज़ में किसी भी तरह से अपने आप को जाहिर नहीं कर पाते हैं इसी तरह से कल्चरल एक्सक्लूजन ज फारोसाइटी बट दो नार्मलूड आर कंसर्नड इनको उनके साथ कोई लेना देना नहीं होता और वहां पर भी इनको बाहर ही रखा जाता है और दैट इज द रीजन वी सी देर आर न्यूमरस पीपल हु आर कल्चरली एक्सक्लूडिड इन अवर सोसाइटी इसी तरह से सोशल एक्सक्लूजन रहता है इनकी लैक ऑफ पार्टिसिपेशन रहती है हमारी जो फार्मर या इनफार्मर सोशल नेटवर्क रहता है सोसाइटी में उन उसमें भी इनका कोई हाथ नहीं होता है तो कंडीशन जो रहती हैं स्पेशली एबल्ड पर्सनज की ये वो लोग रहते हैं जो एक्सीडेंट की वजह से एबनॉर्मल हो चुके होते हैं ट्रामा डिस, डिस्ट्रेस की वजह से स्ट्रेस की वजह से जेनेटिक्स जेनेटिक कोई प्रॉब्लम रहते हैं डिजीज की वजह से इनकी जो मूवमेंट रहती है वो लिमिटेड रहती है ठीक है इनकी मोबाइलिटी लिमिटेड होती है हेयरिंग जो सेंस होती हैं वो कम काम कर रहे होते हैं इनकी विजन आंखें देखने की जो सलाह हैं या बोलने की सलाहियत या मेंटल फंक्शन जो रहते हैं वो एबनॉर्मल रहता है ठीक है सर स्पेशली एबल्ड पर्सन जो रहते हैं इसमें हमारे लोग जो रहते हैं वो लोको मोटर इनका जो रहता है वो बिल्कुल कमजोर रहता है चलने फिरने में इनकी जो है वो पूरे सलाहियत नहीं होते हैं विजुअली इनका ज़्यादा वो देख नहीं पाते हैं हेरिंग जो सेंस होते हैं कम काम पर कम कर रही होती हैं और एट द सेम टाइम दे आर हैविंग सम मेंटलर मेंटल एलिमेंट्स आल्सो मेंटल एलिमेंट्स आल्सो तो ये सब चीज़ें मिल के हमें स्पेशली एबल्ड पर्सनस देती हैं दोज पर्सनस हु आर हैविंग लिमिट लोकोमोटर एक्शन विजुअल जो है वो वो रहती हैं इनमें माल फंक्शनिंग हेयरिंग एम्पेयरिंग हेरिंग जो है रहती है सुनने की जलात वो कम रहती है मेंटल डिसऑर्डर्स रहते हैं इन्हीं को हम स्पेशली एबल्ड पर्सनस का नाम देते हैं वन वी लुक एट द स्पेशली एबल्ड परसन एंड द सोशल एक्सक्लूजन ये स्पेशली एबल्ड पीपल जो रहते हैं ये सोसाइटी के तीनों एलिमेंट्स में ही फ़िट होते हैं या इनका जो रोल होता है है, या इनकी जो पार्टिसिपेशन होते हैं वो हमें ना तो ना तो पॉलिटिकल ना तो कल्चरल और ना ही सोशल जो एक्टिविटीज रहते हैं उनमें कहीं नजर आता है तो ऐसे ही लोग एज पर यूनिसेफ रिपोर्ट टू इनको हम एक्सक्लूडिव या इनविजिबल परसनस का नाम देते हैं ये पीपल जो होते हैं स्पेशली एबल्ड पीपल जो रहते हैं ये ऑलवेज रहते हैं किसमें एट द रिस्क ऑफ सोशल एक्सक्लूजन क्योंकि बहुत सारे लोग ये मैं नहीं कह सकता कि सारे बहुत सारे लोग मैक्सिमम नंबर ऑफ़ पीपल हो आर स्पेशली एबल्ड दे आर सोशली एक्सक्लूडेड उनको सोसाइटी में पार्टिसिपेट करने का कोई मौका नहीं दिया जाता है दे रिमेन ऑलवेज़ इन्विजिबल बिल्कुल छुपे रहते हैं पॉलिटिकल एजेंडाज़ में उनका नाम नहीं ह्यूमन राइट्स में कहीं नाम नहीं स्ट्रगल जो रहती हैं सोसाइटी में कहीं पे नहीं इनका पार्टिसिपेशन देखने को मिलता है एट द सेम टाइम दे डोंट हैव एनी पोजिशन एज फार एज द डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज और साइंस रिसर्चेज आर कंसर्नड सो ये बिल्कुल ऐसे लोग हमारी सोसाइटी में हैं जो हमें नज़र नहीं आते हैं तो जो वर्ल्ड वर्ल्ड रहता है दुनिया जो रहती है ये इन लोगों के हाथ से बहुत दूर रहती है या इन तक इनकी इस वर्ल्ड को ये पूरी तरह से इन्जॉय नहीं कर पाते हैं या एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में बेचारे अच्छी तरह से पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं काम सही तरीके से नहीं कर पाते हैं ठीक है वर्शिप अच्छी तरह से नहीं कर पाते हैं मैरिज नहीं कर पाते हैं हमेशा इनको जो है इन चीज़ों के हवाले से डिनई किया जाता है या इनको नहीं मिल पाती हैं ठीक है सर और सोसाइटी में ऐसे लोग आउटर फेरी पेरी फेरी पे यानी कि फ्रिज पे एंड पे रहते हैं और इनका इनकी तरफ जो ना तो सोसाइटी दे पूरी तरह से दे पाती हैं और ना तो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ में इनका उतना ज़्यादा कोई पोजिशन या रोल होता है सो फॉर एज द प्रजेंट सिचुएशन ऑफ इंडिया इज़ कंसर्नड एज़ पर द प्रजेंट सिचुएशन प्रजेंट सियज वी आर हैविंग एट लीस्ट इन इंडिया ट्वेंटी सिक्स मिलियन पीपल ठीक है जो जिनमें ये प्रॉब्लम्स uh, देखी जाते हैं स्पेशली एबल्ड पीपल जो हैं एंड इन दिस पीपल इज़ अराउंड टू पॉइंट ट्वेंटी वन परसेंट ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया ठीक है India, और इसी तरह से अगर हम देखें इनका दिल न दुखने के लिए हमारे पास कुछ बहरे होते हैं और गंगे जो लोग रहते हैं जिनको डेफ एंड कहते हैं इनको इनका दिल दुखे ना तो इसलिए हम इनके लिए कुछ अलग वर्ड इस्तेमाल करते हैं जैसे डेफ एंडम के लिए हम हेरिंग एम्पायर्ड का जो है वर्ड इस्तेमाल करते हैं ठीक है और फिज़िकली इनको हम पहले बोलते हैं फिजिक फिज, इनको बोला जाता है हैंडी इनको कहा जाता है ऐसे लोगों को कुछ लोग हमारे पास हैंडी रहते हैं लेकिन हैंडी के बजाय हम फिज़िकली या हम बोलते हैं स्पेशली एबल्ड पर्सन इनको कहा जाता है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से स्पेशली एबिलिटीज़ वाले जो लोग रहते हैं इनको किस तरह से ट्रीट किया जाता है इफ़ देर इज़ अ पर्सन इन अ स्कूल बॉय इन अ स्कूल जो स्पेशली एबल बॉय रहता है उसको बाकी सारे नॉर्मल बच्चे किस तरह से चढ़ाते रहते हैं इसी तरह से जो हमारे मैच्योर लोग रहते हैं फिज़िकली चैलेंज रहते हैं इनको किस तरह से बसों में या किस तरह से इनको रास्ते पर चलने में दुशवारियाँ रहती हैं ठीक है सर इनके साथ हमेशा दुर्व्यवहार किया जाता है इनके साथ अच्छी तरह से प्यार से समझ मतलब उनके साथ ट्रीट नहीं किया जाता हमेशा इनकी तरफ बड़ी अजीब निगाहों से देखा जाता है एट द सेम टाइम डिस्क्रिमिनेशन इज गोइंग ऑन एज फार एज अ स्पेशली एबल हु आर स्पेशली एबल्ड दे ऑलवेज फाउंड सम पीपल जो उनको दुख देते हैं अपनी बातों से अपने हाथों से सो दिस वॉज द पार्ट नंबर वन ऑफ दिस वेरी टॉपिक